Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today we will discuss data interpretation. अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो 19 और 20 के अंदर अभी दो साल से डाटा इंटरप्रिटेशन के इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट 2 to 3 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं. इस बार 21 के अंदर तो एक क्वेश्चन था, बट 2018 का अगर आप पेपर देखते हो तो उसके अंदर पूरा पेपर एक तरह से DI का भरा हुआ था, है ना. दैट मीन्स कि UPSC है, कुछ भी पूछ सकती है. DI अगर हम ये कहें कि हाँ जी DI नहीं आएगी तो एक तरह से हम रोंग हैं. रीजन बीइंग कि UPSC है, 2018 का पेपर एक बार उठा के देखो आप, वहाँ पे देखोगे कि सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DI के अंदर से ही आया हुआ था ऑलमोस्ट, ठीक है ना. तो इसलिए DI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप एक बार देख लो. आज की वीडियो के अंदर बार ग्राफ हम डिस्कस करेंगे और यहीं से क्लियरिटी आ जाएगी. बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बार ग्राफ का आइडिया यहीं से हो जाएगा आपका. अगर एग्जाम में आता भी है तो हम इजीली कर लेंगे, ओके. तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट सभी मैं आपको कराऊंगी. तो अभी हम डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट शुरू कर रहे हैं. अभी 4 to 5 क्लासेस डाटा इंटरप्रिटेशन पे ही लगाएंगे और सेम क्लास के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना है. डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. अभी इस क्लास के अंदर आपका बार ग्राफ आज बिल्कुल क्लियर हो जाना है, ठीक है ना. तो बार ग्राफ मेनली है क्या आपका, कि मेनली आपको ग्राफ को समझना है और उसके अंदर से जो डाटा है उसको अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, सिंपल. तो अभी हम देखते हैं कि कैसे आप उसको यूज कर पाओगे. जैसे आप यहाँ पे एक आपके पास में बार ग्राफ अवेलेबल है. बार ग्राफ दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे आपके पास में जो डाटा है वो कैसे है. इधर x एक्सिस में कुछ गिवन है और इधर y एक्सिस में आपको कुछ गिवन है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग है, दैट मींस कि ये वैल्यू को इंटरप्रेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. वैल्यूज गिवन है तो आपको यहाँ से वैल्यूज को लेना है. दूसरा यहाँ पे जो है आपके पास में x एक्सिस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में कैटेगरीज गिवन है. लाइक यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च अवेलेबल है, या यहाँ पे कोई भी कैटेगरी हो सकती है. जैसे यहाँ पे ईयर्स हो सकता है, आपके पास में कुछ भी गिवन हो सकता है, ओके. यहाँ पे डाटा है, दिस इज डाटा, दिस इज द कैटेगरी. अब बात आती है कि किसी भी पर्टिकुलर, अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ जनवरी, ठीक है. अब जनवरी और यहाँ पे हमारा बार यहाँ तक जा रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जनवरी का डाटा यहाँ पे कितना है, 25 है. सिंपल सा पॉइंट है, डन. अब साथ में अगर आपके पास में ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आ जाए, जैसे जनवरी के लिए एक बार है, या फिर 2 बार्स गिवन है, या आपके पास में 3 बार्स गिवन है, ओके. तो इस तरह से आपके पास में बार्स आ सकते हैं. तो वहां पे आपके पर्टिकुलर बार के लिए गिवन होगा कि कौन सी बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है. अब जैसे यहाँ पे ब्लू कलर की जो बार है, उसने क्या कहा है कि ब्लू वाली जो है वो ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और रेड वाली अगर एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है. तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओके. और जब भी आपके पास में कोई भी DI का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमने जो ध्यान देना है कि वो DI रिप्रेजेंट क्या कर रही है. अब उसके लिए आपको डायरेक्शंस को केयरफुली रीड करना है, सो दैट कि आपको पता चल जाए. जब जैसे यहीं पे क्या है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. डाटा इज गिवन इन 1000, किसके अंदर गिवन है डाटा, 1000 के अंदर है. और ये यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इन 1997 के अंदर जितनी एम्प्लॉयज की ट्रांसफर हुई है, जो ऑफिसर थे उनका डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है बाई ब्लू बार, एंड द अदर एम्प्लॉयज का डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है बाई रेड बार. बस यही है, ये हमें पता चल गया. अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से जो गिवन क्वेश्चन है उनको आंसर करना है, ओके. तो अब यहाँ पे समझेंगे हम. जैसे अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज. एक और पॉइंट, जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करते हो तो उससे पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सा, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये तीनों आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए. क्योंकि रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है DI के अंदर से, या फिर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज पे, कि कितना ज़्यादा है, कितना कम परसेंट है, इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, और किसी पर्टिकुलर डाटा का दूसरे के रेफरेंस में परसेंटेज पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ओके. या फिर आपके पास रेशियो में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तीनों टॉपिक्स के. अब यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 months ऑफ अदर एम्प्लॉयज. लास्ट 3 months ऑफ अदर एम्प्लॉयज, अदर दैट मीन्स कि ये तीनों लेंगे हम, ठीक है, एंड एवरेज ऑफ 3 months ऑफ अदर एम्प्लॉयज, ओके.
एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री मंथ, फर्स्ट थ्री मंथ्स का देखेंगे तो हम यहाँ पे अदर की बात हो रही है, दैट मीन्स कि इन तीनों को लेना और इनका क्या करना है, एवरेज का डिफरेंस निकालना है। डन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लास्ट थ्री मंथ्स की बात करें तो आपके पास में डाटा कितना है, 35 + 42 + 50 कितना हो गया, 7 × 5 = 12, 127। अब अगर आप इसकी एवरेज निकालते हो तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी, मत करो, बस इतना ही लिख लो क्योंकि डिफरेंस निकालना है फाइनली। फिर दूसरा देखते हैं, फर्स्ट अगर हम थ्री मंथ्स को देखते हैं, अगर आप फर्स्ट थ्री मंथ्स को देखते हो तो उस केस में देखो कितना है, 40 + 33 + 40, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में, 113। क्लियर। अब जब एवरेज की हम बात करेंगे तो क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 3। अभी इसीलिए मैंने आपको मना किया। अब जब डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस में क्या करोगे आप, सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो क्योंकि दोनों के अंदर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो वैल्यू यहां पे क्या आ गई, 127 - 13, दैट मींस कि 14/3 कितना आ गया, 3 × 12, ठीक है, 2 × 3 = 18, दैट मींस 4.67 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए क्या मुश्किल है, डी आई आ रही, दैट मीन सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, साथ साथ आप सॉल्व भी करना है। डी आई मैंने बता दिया कि हाँ जी ये वाला जो डाटा है, ये हमारा जो बार ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ साथ में सॉल्व करना आपने, ईजी है। देखो क्या, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिसर्स ट्रांसफर्ड इन जनवरी, ऑफिसर ब्लू बार, पहले देखो कि डी आई को देखना कैसे, जैसे उसने कहा ऑफिसर, हमने माइंड में क्या क्लिक किया, ब्लू बार, ओके, इन जनवरी, जनवरी के अंदर ब्लू बार, डन, एंड ऑफिसर्स ट्रांसफर्ड इन जून, ऑफिसर दैट मींस की ब्लू बार, कब, जून के अंदर, यहाँ पे देखो जून के अंदर कितना है, 30, और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना, कितना डिफरेंस है, 30 - 25, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में, 5, और ये 5 के साथ में क्या है, उसने क्या कहा था, डाटा किसके अंदर है, 1000 के अंदर है, दैट मींस कि कितना हो गया हमारे पास, 5000, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 5000। डन। क्लियर है, क्लियर। हाँ जी, समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, इन विच मंथ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज मैक्सिमम फॉर द अदर एम्प्लॉइज, अदर्स के लिए हमने चेक करना है कि कौन से मंथ में ज्यादा है या फिर कम है, मैक्सिमम डिक्रीज इंक्रीज पूछ रहा हो, ठीक है। तो अब देखो अदर्स, दैट मींस कि हम इनको चेक करें, अब जनवरी का तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, फरवरी का जनवरी से आप कंपेयर कर सकते हो, तो अगर हम फेब की बात करें, फेब, मार्च, अप्रैल उसने दिया ही नहीं है, तो अप्रैल की लेने की जरूरत नहीं है जब ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, अप्रैल, मई एंड जून, ओके, सिर्फ इनका कंपेयर करो आप। अब यहाँ पे भी जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहा है उसने बेटा, मैक्सिमम इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, अब हमें पता है परसेंटेज दैट मींस कि कैसे कंपेयर करोगे आप। अब देखो फेब के अंदर ये 40 से कितना हो गया, 33, दैट मींस कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कितना डिक्रीज हो रहा है, 7 का। अब जब कंपेयर करते हैं तो किसके रेफरेंस में कंपेयर करोगे आप, इसके रेफरेंस में जो प्रीवियस है, ठीक है, दैट मींस कि 4/100। क्लियर। अब अगर हम मई की बात करें, ठीक है, अगर हम बेटा मई की बात करें तो अब मई में देखिए, मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में कहां जा रहा है, 33 से 40, अब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज अगेन कितने का है, 7 का ही है, बट यहां पे किससे कंपेयर करोगे, 33 से, That means कि divided by 30. Solve नहीं करना, ये भी जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, otherwise ऐसे ही directly आप answer कर सकते थे, ठीक है, एक बार समझो पहले, ठीक है। अब जो तीसरा है, अगर मैं मई का देखूँ तो मई यहाँ पे है, मई क्या है, 35 से 42, ठीक है ना, दैट मीन्स कि कितना है, 7 × 35 × 100। अब अगर हम जून को देखें तो जून के अंदर कितना चेंज है, 8 का, 8/42 × 100। अब देखो 100 तो सभी में ही है ना, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं इसको ही तो पॉइंट्स में आंसर आता और अपना बड़ा टाइम लग जाना था, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, 100 तो सभी में ही है, भूल जाओ, ठीक है। अब हम कंपेयर करते सिर्फ इस फ्रैक्शनल वैल्यूज को,
ये जो फ्रैक्शंस वैल्यूज है ना, इनको आप कंपेयर करो। अब देखो यहाँ पे बेटा सभी के ऊपर क्या है, 7 है न्यूमरेटर के अंदर। अब डिनोमिनेटर देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होएगा दैट मीन्स की वो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब इसके अंदर से 33 वाली वैल्यू कम है, दैट मीन्स की मार्च का 7 33 क्या है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा है। डन। अब हमारे पास बच गया ये, इसके साथ भी कंपेयर कर लो जून के साथ में। ओके अब अगेन इसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आ रही है, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, 7 × 14 = 28 और 1 = 29। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखो, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिख देते हैं 7/33 और दूसरी वैल्यू बेटा 8/42। ठीक है, अब एक तो तरीका हो गया कि पॉइंट में वैल्यू निकालो, दूसरा हो गया कि पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है जब आप इसे कंपेयर करना है। अब 2021 के अंदर एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, तो कंपैरिजन ध्यान रखो, पॉइंट्स में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब पहला जो पॉइंट है कि अगर न्यूमरेटर हमारे पास में सेम है तो डिनोमिनेटर को चेक कर लो, सिर्फ जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होगी। ओके, अब यहाँ पे इसको हम करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 × 14 = 28 और 1 = 29। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो गया 8 × 24 = 24 और 2 = 26। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, दैट मीन्स कि मार्च का सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी मार्च। क्लियर, एक एक की परसेंटेज कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगाना, हमने ऐसे नहीं देखना कि पहले मैं हर एक की परसेंटेज चेक करूं फिर उसके बाद, तो इसमें तो टाइम ही बड़ा लग जाएगा। ओके, तो सिंगल सिंगल की परसेंटेज नहीं देखनी, जस्ट आप फ्रैक्शन को कंपेयर करके देख लो, जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा वही वैल्यू ग्रेटर होगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन ऑफिसर ट्रांसफर फ्रॉम फेब 1997 टू मार्च 1997। ऑफिसर दैट मीन्स ब्लू बार। ओके, कितना चेंज इंक्रीज चेक करना आपको फेब से मार्च। अब फेब में देखिए कितना है, 20, मार्च में भी 20 है, दैट मीन्स कि जो चेंज है, चेंज कितना आ गया आपके पास में, जीरो, दैट मीन्स कि 0%। सो क्या आ गया आपके पास में, 0%। डन, बताइए कोई इसमें डाउट, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बार ग्राफ आ गया आपके पास में, नेक्स्ट बार ग्राफ है, इसके अंदर भी हमारे पास में दो बार है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कलर का ही इश्यू, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी कुछ पैटर्न में चेंज हो रहा हो, तो अब यहाँ पे भी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार चार्ट क्या शो कर रहा है, बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाई 4 persons ABCD, 4 persons है। मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है बेटा, कैटेगरीज, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या आ रहा है, वैल्यूज डाटा आ रहा है ना। तो यहाँ पे उसने कहा है कि 2005 एंड 6, अभी जो डार्क वाली बार है ये क्या कर रही है, 2005 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वाली बार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2006 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय ए सी एंड डी इन 2005। 2005 दैट मींस कौन सी लेनी है, हमने डार्क वाली बार लेनी है। ओके, कब कह रहे हैं आपका 2005 का एवरेज निकालना ए। अब देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया तो वो हमारे लिए इजी हो गया, बिकॉज यहाँ पे तो वैल्यूज डायरेक्टली गिवन थी तो हमें तो चेक करने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे आपके पास में वैल्यूज गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको खुद से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये जो डाटा है हमारा, ये कितने कितने के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10-10 के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 10-10 के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बीच में कितनी लाइंस है, यहाँ पे 4 lines आ रही है आपके पास में, दैट मीन्स कि ये कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 2-2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब हम अगर यहाँ पे देखें ए की अगर मैं बात करूँ 2005 के अंदर, तो ये हो गया 70, ये कितना हो गया 72। उसके बाद क्या है सी की अगर हम बात करें तो ये तो पूरा ही जा रहा है, यहाँ पे कितना हो गया 90, ठीक है, ये 90 वाली लाइन है। उसके बाद है डी को अगर हम देखें तो ये कितना आ गया आपके पास में 48, देखो इससे यहाँ पे है। क्लियर, अब हमें एवरेज फाइंड आउट करने, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, सभी को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 72 प्लस 90 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 3,
कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया बेटा 7, 4, 11, 20, 120, 90, 210, दैट मीन्स 70 विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? सो क्या आंसर आ गया आपके पास? ऑप्शन बी 70 विल बी द करेक्ट आंसर. डन. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द बुक्स रीड्स बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2005. बी एंड सी टुगेदर इन 2005, दिस इज 60, दिस इज 90. दैट मीन्स कि कितना हो गया हमारे पास में? 170. क्लियर? साथ में क्या है? एंड बुक्स रीड बाय ए एंड डी टुगेदर इन 2006. 2006 दैट मीन्स कि ये वाली बार देखनी है हमने. कब देखनी है? ए और डी के लिए. ए के लिए देखो, ए के लिए ये कितना है बेटा? 90. और डी के लिए ये कितना है आपके पास में? ये हो गया हमारे पास 70. क्लियर? कितना हो गया हमारे पास में? 70. तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास में ये वाला डाटा बेटा हो गया 150, हो गया 170 नहीं होगा, 150 होगा. ये कितना हो गया? 90 और 60 कितना हो गया? 150. और ये कितना हो गया आपके पास में? 160. क्लियर? रेशियो फाइंड आउट करनी है आपको. बी एंड सी इन 2005, रेशियो किसकी आपके पास में? ए एंड डी इन 2006. कितना बना? 150. ये कितना बना? 160. कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आ गया? 15:16. 15:16. सिंपल है. अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको रेशियो वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए सभी का, और साथ साथ में ही आपका एवरेज और परसेंटेज. अभी परसेंटेज के भी आएंगे क्वेश्चंस, रेशियो एवरेज के हो गए. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का? ये देखो यहाँ पे क्या है, बुक्स रीड बाय ए एंड डी टुगेदर इन 2005. ए एंड डी, ए एंड डी कब कह रहा है? 2005. कितना बना 2005 के अंदर बेटा? ये कितना है? 72. ओके. और डी का देखें तो ये कितना है हमारे पास में? 48. कितना हो गया? 7, 4, 11 और 1, 12, 120 हो गया. ए आर व्हाट परसेंट मोर देन बुक रीड बाय सी एंड डी? सी, सिर्फ सी कह रहा है ना, डी नहीं है, सिर्फ क्या है आपके पास में? सी इन 2006. ओके, 2006 के अंदर सी का देखो कितना है. ये आ गया आपके पास में 72. कितना आ गया हमारे पास में? 72 आ गया. क्लियर? अब उसने कहा कितना ज्यादा है, ए एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर? तो कितना मोर है इसको हम माइनस कर देंगे. कितना आ गया आपके पास में? दिस इज 48. 48. इसने क्या पूछा है? कितना परसेंट ज्यादा है? जब आप बात करते हो परसेंटेज की तो क्या करोगे? अगर बेटा मोर पूछा जाए तो लेस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे. किससे कंपेयर करना है? 2006 से. कितना है? 72 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, 2/3. 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 66 इज टू 2/3%. सो योर आंसर विल बी 66 इज टू 2/3%. ध्यान रखना कि जो मोर और लेस कहते हैं ना जब भी, तो यहाँ पे पहले क्या करोगे? डिफरेंस फाइंड आउट करो. मोर होता है, अब इन दोनों वैल्यूज को ही कंपेयर करना है. अब यहीं पे अपने पास में आ गया कि मोर देन, मोर देन, तो उस केस में हमने क्या किया? दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई लेस वैल्यू. मोर है तो लेस से डिवाइड करेंगे इन 200. अगर यहीं पे होता कि जो सी 2006 है, दिस इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए एंड डी 2005, तो लेस के केस में भी डिफरेंस तो 48 ही आता. बट उस केस में क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 120 करते. कंसेप्ट को क्लियर करो मेनली कि मोर और लेस आता है तो क्या करना है. या आप इस तरह से भी देख सकते हो, यहाँ पे देन के बाद जो दिखा होता है ना, देन के बाद जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करेंगे आप डिफरेंस को. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है आपके पास. यस, द क्वेश्चन इज बुक्स रीड बाय ए एंड सी टुगेदर इन 2005. ए एंड सी टुगेदर इन 2005 आर हाउ मच मोर और लेस? अब यहाँ पे मोर और लेस कहा है आपको, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है, सिर्फ मोर और लेस है. ओके, देन द बुक्स रीड बाय बी एंड डी टुगेदर इन 2006. डन.
अब देखो CA और C 2005, दैट मींस कि यहाँ पे हो गया हमारे पास 72 एंड दिस इज 90, क्लियर। तो कितना हो गया आपके पास में 162, कितने किससे पूछा है, बी एंड डी इन 2006, देखो ये वैल्यू कितनी आपके पास, दिस इज 78 एंड डी दिस इज 70, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में, 7 और 7 14 है, 148 हो गया। हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है कितना आ गया आपके पास 14, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 14, क्लियर। वैल्यूज कैसे लिखे पता चल गया ना, देखो ये क्या है ए एंड सी 2005, हमने दोनों को टोटल किया, वैल्यू कितनी आ गई 162, साथ में क्या कहा था उसने बी एंड डी इन 2006, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 148, देखा कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है ये हमारा, कितना मोर है, दोनों का डिफरेंस निकाला, दिस इज 14, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, बुक्स रीड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2006, बी एंड सी कब 2006, दिस इज 78 एंड दिस इज 72, 2006 का है ना, देखो बेटा ये यहां से 80 से थोड़ा सा कम है, 78 हो गया, ठीक है, और ये यहां पे देखो 70 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना हो गया टोटल 150। आर व्हाट परसेंट ऑफ द बुक्स रीड बाय बी इन 2005, बी इन 2005, अब बी है 2005 में कितना है ये हमारे पास 60, अब यहां पे मोर लेस नहीं है, क्या है आपके पास मोर और लेस नहीं पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, आपसे क्या कहा गया है, जस्ट आपको ये बताना है कि दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस वैल्यू, दैट मींस कि जो हमारी परसेंटेज है वो क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ, जिसके साथ में ना व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ वाली वैल्यू को नीचे लिखना है डिनोमिनेटर के अंदर, दैट मींस कि 60 इनटू 100। इसमें भी काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाँ जी 60/150 करूँ या मैं 150/60 करूँ, ध्यान रखो यहाँ पे क्या करें, व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ वाली जो वैल्यू उसको नीचे रखेंगे हम डिनोमिनेटर के अंदर, और न्यूमिनेटर में क्या रखोगे, जो पहले गिवन है, ओके, इनटू 100, जस्ट सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया बेटा अपने पास में, 3 × 5 = 15, 2 और ये हो गया बेटा 50, दैट मीन्स की 250%, कितना आ गया 250%। कोई डाउट, अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अभी डीआईज की क्लास चल रही है, अभी 3-4 क्लासेस लगाएंगे बेटा डीआईज पे, ओके। अभी बार ग्राफ कर रहे हैं, उसके बाद पाई चार्ट, लाइन चार्ट सारा करेंगे, ओके। तो शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर कर देंगे। क्या है नेक्स्ट, द टोटल नंबर, एक यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट चार्ट आ गया। अब ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये चेक करते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 2 ईयर्स, ओके, दीज आर द नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी बुक्स रीड बाय विष्णु, मृदुल, सचिन एंड प्रवीण, टोटल 4 पर्सन है, उनके अंदर 2015 में कितनी बुक्स रीड करी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2015 को, और जो लाइट कलर की जो बार है ये रिप्रेजेंट करे 2016 का डाटा, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय सचिन एंड मृदुल, सचिन एंड मृदुल इन बोथ ईयर्स इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय प्रवीण एंड विष्णु। पहले सचिन और मृदुल का चेक करते हैं हम, सचिन कहाँ पे है, दिस इज सचिन, दिस इज मृदुल। अब यहाँ पे डाटा देखते हैं, ये कितना आपके पास में, ये देखो 2020 का गैप है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मिड में वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया 90, दिस इज 80, कितना हो गया बेटा 170, ओके। सचिन का देखते हैं, सचिन दिस इज 30 एंड दिस इज 50, दैट मीन्स कितना हो गया 80, दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ गया आपके पास में 170
प्लस 80 250। क्या कहा है, हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय प्रवीण एंड विष्णु, प्रवीण एंड विष्णु। अब यहाँ पे प्रवीण को देखिए, प्रवीण और विष्णु का अगर हम डाटा चेक करते हैं, दिस इज 50, दिस इज 40, दैट मीन्स कितना हो गया हमारे पास 90, प्लस प्रवीण का चेक करिए, दिस इज 70 एंड दिस इज 60, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा 130, दैट मीन्स टोटल कितना है हमारे पास में 220। डन। अब उसने कहा कि ये इससे कितना कम या ज्यादा है, तो हमें पता है कि ये ज्यादा है, कितना 30, कितना ज्यादा है हमारे पास में 30, दोनों का डिफरेंस निकाल ली। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास बुक्स रीड बाय प्रवीण इन 2015, प्रवीण इन 2015, प्रवीण ये है 2015, दैट मीन्स कि कितना हो गया बेटा 70, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय मृदुल इन 2015, 2015 के अंदर मृदुल कितना है हमारे पास में 80। Now what is the question? कह रहा कितना मोर या लेस है, किससे चेक करना है इससे, तो अब ये यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का, अब मृदुल से चेक करना है, मृदुल से चेक करना है, तो हमारे पास में कितना परसेंटेज आ गई, कितना परसेंट आ गया बेटा 10 लेस है, 10 लेस है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे मृदुल, कितना आ गया 12.5%, कितना आ गया 12.5%, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय विष्णु एंड मृदुल टुगेदर इन 2015 टू सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय सचिन एंड प्रवीण टुगेदर इन 2015। अब पहले विष्णु और मृदुल का देखो 2015 के अंदर कितना है बेटा, दिस इज 50, ओके दिस इज 80, दैट मीन्स टोटल किया हमने, कितना आ गया हमारे पास में 130 आ गया। दूसरा किसका है हमारा, सचिन एंड प्रवीण इन 2015, 2015 में सचिन का देखते हैं कितना है हमारे पास 30, प्रवीण का देखते हैं कितना है हमारे पास 70, टोटल कितना हो गया दोनों का 100। और क्या करना है आपको, रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो कितनी हो गई 130 रेशियो 100, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू विल बी 13। So your answer will be option A. Option A will be the correct answer. Clear? बताइए कोई doubt किसी को? अगर कोई doubt आता है, in that case you can comment in the comment section. बार बार repeat कर रही हूँ, comment section में आप comment कर सकते हो कोई भी doubt आता है। हाँ जी, वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर ए क्रैश कोर्स ऑफ सी सेट, बिकॉज एग्जाम अभी पास में है, तो अभी हमें एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जिससे कि हम इजीली इसको क्वालिफाई कर सकें, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्स है अभी पीडिया की तरफ से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए। आप एक मान तरह से ये मान के चलो कि अगर इसका आप 60% भी कवर कर लेते हो तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज भी देख रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो बेटा मस्ट है ना, तो अगर जिसको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज का भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिनको क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।